हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल, दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 4 व 5 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रयास 2 ब्रेस रेमेडिशन बुक, जिसमें हमने वर्कशीट 35 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अब हम इस वर्कशीट जो इस वीडियो है इस पार्ट में देखेंगे वर्कशीट 36 टू वर्कशीट 40 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो के एंड तक जरूर बनी रहिएगा ताकि आपको सभी वर्कशीट के सॉल्यूशन इजीली मिल सके। वर्कशीट 36 में क्वेश्चन फर्स्ट है, लोकेट दी पिक्चर एंड फिल दी मिसिंग लेटर। आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग फिल करना है मिसिंग लेटर को। देखिए, सबसे पहले पिक्चर है एलिफेंट की, जिसकी स्पेलिंग होती है ELEPHANT, एलिफेंट यानी हाथी। अगली पिक्चर है रेडियो की, तो यहाँ पर लिख देंगे RADIO, रेडियो। अगली पिक्चर है स्कूटर की, इसकी स्पेलिंग होती है SCOOTER, स्कूटर। नेक्स्ट है हैडपम्प, तो यहाँ पर लिख देंगे HANDPUMP, हैंडपम्प। नेक्स्ट एक टीचर जो कि पढ़ा रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे TEACHER, टीचर यानी अध्यापिका या अध्यापक। तो ये था वर्कशीट 36 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे असेसमेंट 3 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने असेसमेंट 1, 2 देख लिया है, बेसलाइन असेसमेंट भी देख लिया है। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है सर्कल वोवल इन द गिवन पिक्चर। वोवल होते हैं AEIOU, हमने पहले बहुत बार पढ़ चुका है। तो यहाँ पर हम जो जो वोवल हैं AEIOU उनमें से क्या कर देंगे, उनमें सर्कल कर देंगे कॉन्सोनेंट से अलग करते हुए, ठीक है। कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, वोवल यानी स्वर, जो कि होते हैं AEIOU, तो इन्हीं को आपको सर्कल करना है दिए गए पिक्चर में। सेकंड क्वेश्चन है लोकेट द पिक्चर एंड राइट द वर्ड रिलेटेड टू द पिक्चर। तो यहाँ पर क्या करना है, पिक्चर्स को आपको केयरफुली देखना है, देन आपको इनके नेम लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले पिक्चर है शर्ट की, यहाँ पर नेम लिख देंगे SHIRT, शर्ट यानी शर्ट। नेक्स्ट है पतंग की पिक्चर दे रखी है काइट की, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में काइट, KITE, काइट यानी पतंग। नेक्स्ट है दरवाज़ा, जिसे बोलते हैं डोर, DOOR, डोर यानी दरवाज़ा। नेक्स्ट है नल, टेप, तो यहाँ पर लिख देंगे TAP, टेप यानी नल। थर्ड क्वेश्चन है रीड दी वर्ड्स केयरफुली एंड मैच विद दी रिलेटेड पिक्चर। आपको वर्ड्स को मैच करना है उनकी पिक्चर से। वाटरमेलन अर्थात तरबूज को मैच कर देंगे तरबूज की पिक्चर से। लॉक अर्थात ताला, ताला को मैच कर देंगे ताले की पिक्चर से। JUG, जग को मैच कर देंगे जग से। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स विद दी मिसिंग लेटर। आपको ब्लैंक्स में मिसिंग लेटर फिल करने हैं, पिक्चर्स दे रखी हैं, आप इजीली फिल कर देंगे। सबसे पहले आपने पिक्चर देखी हो, पिछले जो वर्कशीट है हमने उसमें यही पार्ट किया था। तो यहाँ है ये पिक्चर रेडियो, RADIO, रेडियो, ठीक है। नेक्स्ट है हैंडपम्प, तो यहाँ लिख देंगे HANDPUMP, हैंडपम्प। नेक्स्ट है स्कूटर, यहाँ लिख देंगे SCOOTER, स्कूटर। नेक्स्ट है एक डॉक्टर की पिक्चर, तो यहाँ लिख देंगे DOCTOR, डॉक्टर यानी डॉक्टर, ठीक है, चिकित्सक बोलते हैं हिंदी में, डॉक्टर यानी चिकित्सक, ठीक है। तो इस तरह से डन होता है असेसमेंट 3 का सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे वर्कशीट 37 का सॉल्यूशन, जिसमें है क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग। आपको मैच करना है, देखिए कौन कौन सी चीज़ किससे रिलेट करती हैं। कॉम अर्थात कंघी, कहाँ पर करते हो आप, हेयर में, बालों में, या हेयर से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ब्रश, BRUSH, ब्रश, जो कि कहाँ करी जाती है, टीथ पर, दांतों पर, तो यहाँ लिख देंगे TEETH से मैच कर देंगे इसे। WASH, वॉश यानी धोना, क्या धोते हो आप, हाथ धोते हो या हैंड से, इसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है रीड, क्या पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, यहाँ पर किताब से इसे मैच कर देंगे, बुक से मैच कर देंगे। चॉप अर्थात काटना, किसे काटते हो, वेजिटेबल्स को काटते हो, तो यहाँ पर वेजिटेबल्स से मैच कर देंगे। इस तरह से डन होता है आपका वर्कशीट 37 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे वर्कशीट 38 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है लोकेट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। आपको पिक्चर्स के अच्छे से केयरफुली देखना है पिक्चर्स को और इनका नेम लिखना है। आपको फर्स्ट लेटर गिवन है, बहुत इजी हो जाएगा आपको नेम लिखने में। सबसे पहले पिक्चर है बलून्स, गुब्बारे, तो यहाँ पर लिख देंगे BALLOONS, बलून्स। नेक्स्ट है मैंगो, अब यहाँ पर एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे मैंगोज, MANGOES, मैंगोज। नेक्स्ट है स्टार्स, नेक्स्ट लिख देंगे हम STARS, स्टार्स, STARS, स्टार्स यानी तारे। नेक्स्ट है फ्लावर्स, काफ़ी सारे फ्लावर्स हैं, फूल हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे FLOWERS, फ्लावर्स। नेक्स्ट है अम्ब्रेलास, तो
तो यहाँ पे लिख देंगे UMBREELAS अम्ब्रेलास यानी छाते। तो इस तरह से देखा हमने प्लूरल फॉर्म में पिक्चर्स को देख करके हमने क्या किया, उसका सिंगुलर का प्लूरल बना करके लिख दिया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक नहीं दे रखा है। अगर एक दे रखा होता तो सिंगुलर लिखते, और अगर एक से ज़्यादा है तो हम हमेशा प्लूरल फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ये था बख्शी 38 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखेंगे बख्शी 39, जिसमें क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग, आपको पिक्चर्स को मैच करना है उनके नेम से। देखिए सबसे पहले पिक्चर है शिप यानी जहाज से, जहाज की, तो यहाँ पर जहाज से मैच कर देंगे शिप, SHIP शिप को मैच कर देंगे शिप की पिक्चर से। नेक्स्ट है बस, तो यहाँ पर बस से मैच कर देंगे इसे, BUS बस। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर, तो यहाँ इसे हेलीकॉप्टर से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है ट्रेन, तो यहाँ पर ट्रेन से इसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है मोटर बाइक, मोटर बाइक से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है जीप, तो यहाँ पर जीप से इसे मैच कर देंगे। और नेक्स्ट लास्ट पिक्चर है बाइसिकल की यानी साइकिल की, तो यहाँ पर बाइसिकल से इसे मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल दी ऑड वन, आपको अलग जो है दिए गए चित्रों में आपको ऑड जो है वो सर्कल करना है। जैसे ऑन रोड, सड़क पर चलने वाले वाहन कौन से, इनमें से जीप है, साइकिल है, बट जो ट्रेन है वो ट्रैक यानी पटरी पर चलती है, तो यहाँ पर इससे गोला कर देंगे, ये अलग है। एयर यानी हवा में उड़ने वाले निम्न में से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर जहाज़ नहीं है, तो इससे ऑड मान करके इससे क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। हवा में उड़ने वाला यहाँ पर है हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट है वाटर, वाटर में कौन से चलते हैं, नाव, जहाज़, तो यहाँ पर दोनों पिक्चर नाव और जहाज की है जो कि वाटर में चलते हैं, परंतु जो बस है वो ऑन रोड रहती है, तो यहाँ पर बस को हम सर्कल कर देंगे जो कि ऑड वन है। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 39 का सॉल्यूशन। और लास्ट वर्कशीट इस पार्ट में हम देखेंगे वर्कशीट 40, जिसमें क्वेश्चन है राइट द मिसिंग नंबर इन इंग्लिश, आपको अगर नंबर नेम याद है तो आप इजीली इस वर्कशीट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिसिंग जो नंबर्स हैं आपको लिखना है इंग्लिश में उन्हें, 1 दे रखा है, 2, 3 लिख देंगे, 4 दे रखा है, 5, 6 लिख देंगे, 7 दे रखा है, 8, 9 लिख देंगे, 10 दे रखा है। तो 1 से लेकर 10 तक की गिनती दे रखी थी इंग्लिश में, आपको इन्हें फिल करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नंबर दैट कम जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, आपको जस्ट आफ्टर जो नंबर है वो लिखना है दिए गए नंबर से। देखिए 4 यानी 4, 4 के जस्ट बाद आता है 5, 5 यहाँ लिख देंगे 5। नेक्स्ट है 8, 8 के जस्ट बाद आएगा 9, यहाँ लिख देंगे 9। 1 के जस्ट बाद आएगा 2, 1, 2। नेक्स्ट 3, तो यहाँ पर 3 के जस्ट बाद आ जाएगा 4, 3, 4। नेक्स्ट है 9, 9 के जस्ट बाद आता है 10, 9, 10। 6, 6 के जस्ट बाद आएगा 7, 6, 7। तो इस तरह से डन होता है वर्कशीट 40 का भी सॉल्यूशन। तो इस तरह से हमने देखा पूरे भी वीडियो में वर्कशीट 40, वर्कशीट 39, वर्कशीट 38, 37, असेसमेंट 3rd और वर्कशीट 36 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स और भी इंपॉर्टेंट वीडियो जो आपके कक्षा से रिलेट आते रहते हैं वो भी देखते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।